रुहान टर्न्स वन, यस ये रहा रुहान के बर्थडे का जो डेकोर है वो रेडी हो गया है। ये हमने फ्लैट के एंट्रेंस पे, हमारे घर के एंट्रेंस पे किया था, और ये घर के अंदर का है। ब्राइट कलर्स, छोटे छोटे ये कार्टून्स, क्यूट क्यूट से उनके कटआउट्स, बहुत ही प्यारा लग रहा था पूरा जो लुक है। ये देखिए ये फाइनल कंप्लीट लुक, और ये है ये प्यारी सी टीम जिन्होंने ये पूरा डेकोर किया, और इनके पेज का एड्रेस ये है। एंड ऑब्वियसली ये है रुहान का पहले बर्थडे का केक हमारी रिंकू की तरफ से। थैंक यू सो मच रिंकू फॉर दिस केक। सो ये सारे आप देख सकते हैं, ये जो टॉयज है, ये रुहान की कार है, ये रुहान का वो येलो वाला है, वो जो हिटमी वाला डायनासोर है वो है, ये वो जो घूमता रहता है जो हमने अभी बांद्रा से लिया था, ये वो डक है चेक इट आउट वाला जो मैं हमेशा बोलती हूँ चेक इट आउट, ये विनी द पू जो मैंने हम कहाँ जा रहे थे, मैसूर जा रहे थे तब ऑन द वे लिया था, ये उसका सबसे फेवरेट वाला जो झुंझुना है ये वो है, ये जो मैंने बैंगलोर एयरपोर्ट के बाहर से वो टिंगनिंग वाला टॉय लिया था ये वो है। सो रिंकू ने मुझसे पूछा था कि केक पे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके जो टॉयज हैं जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है वो रखे जाए, एंड आई वॉन्टेड समथिंग वेरी कलरफुल। सो हाउ नाइसली एंड हाउ परफेक्टली शी इज़ मेड द टॉयज, सो थैंक यू। मैं केक कट करने जा रही हूँ बाहर टेबल पे रखने के लिए, तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार दिल से ये चीज़ जो है आपसे शेयर करना बनता है। चलो भाई साथ डालते हैं, एंड टाइम टू कट रुहान का फर्स्ट बर्थडे केक, ऑल रेडी ऑल सेट। रुहान पकड़ो इसको, केक कट कर लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिफ्ट की बारी। पापा वाला ट्रैक सूट आया, पापा वाला। अरे मेरे पास भी ऐसा ही है, तो हम ट्रेनिंग करेंगे कभी। पापा रुहान ट्रेनिंग करेंगे। अरे पापा रुहान मम्मी थोड़ा बड़ा बड़ा ले आई ना। अच्छा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बड़े बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, और सारे ना वो है पतले पतले कि मुंबई के वेदर में सब। ओ ये तो शॉर्ट्स है, अरे वाह शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट। ओ ये वाला शेम शेम बचपन में पहना था, अभी भी पहनेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, तो अब भी पहनाऊंगी मैं, सबसे अच्छा है ये। रोहन अपना बाथरूम, अच्छा ऐसे जिराफ है, जिराफ अच्छा ना, अच्छे अरे अरे बाप। देखो अम्मी ये पता है आज दोपहर में ही सेम अंकित मिला के दादा अंदर से लेके आओ, सेम कलर भी है, नहीं कलर अलग है, ब्लू कलर है, ब्लैक ब्रांड का लाया, ब्लैक ब्रांड का लाया, सेम दुकान में जाके। बस क्या हुआ,
नहीं क्या हुआ कि उसमें ये अंकित वाले में ये ऊपर जो शेड है ना हाँ। वो नहीं है, बाकी सेम है ये पीछे से। रोहन दो दो साइकिल पर उसको अच्छा लगता है उसमें बैठना, बिठाओ ना उसको, हैप्पी अच्छा लगता है बैठना। आजा पैडल इस पे रखो, वो देखो सेम, वो देखो। तो एक काम करेंगे, देखो अम्मी इसको नीचे रखना, तो जब नीचे आएगा तो इस नीचे इसमें घूमेगा, ऊपर आएगा तो उसमें घूमेगा, ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? क्या बात है, यहाँ पकड़ो सुनो, ये देखो को दिखा रहे हैं कि साइकिल पर। बारिश होगा तो इसको धर्म दादा ने और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वही घुमाते हैं ना वो, अपने थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं। आग बंद हो रही है टाइमिंग पे। रोहन देख, रोहन देख, रोहन देख, रोहन देख। हैप्पी बोलो, मेरी दो दो साइकिल। खड़ा हो रहा है, उस पे पैर रख के खड़ा हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह, अच्छी लगती है ना, कल भी पहन ही गया था, अच्छा लगा, वो मैंने दिलवाई थी वो, नाइस। और ये भी क्वालिटी से बहुत अच्छा है। और ये रॉन के शू, अरे वाह बहुत अच्छे। और ये वो इजीली पहनना पाऊंगी, वो दो साल तक चल जाएंगे। लेस वाले नहीं है ना? हाँ नहीं, इसके ना पैर ऐसे हैं, तो ऐसे वाले शूज चाहिए होते तो ज्यादा खुल जाए, ये करेक्ट है। चलो सही है, बहुत अच्छे। इसका पता है सेम वो इशू है पापा वाला, अच्छा आगे से, आगे से पापा का पैर उसका भी आगे से ऐसा है, तो ये इजी जाएगा। बहुत क्यूट है, समझ नहीं आएगा लेकिन। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि ऐसा कुछ काम करें जो जिंदगी भर उसको सवाब मिले, तो हमने मस्जिद में काम ही भर दिया यहाँ पे, उसके लिए हमने 25,000 रुपए उसके नाम से, रुहान के नाम से दिए, ताकि जिंदगी भर उसका कर मिले, उसका बहुत सवाब होता है जिंदगी। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, माशाल्लाह, 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 ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छे, जो सबसे अच्छी चीज है ना, उसका उसमें नाम भी लिखा हुआ है जनाब रुहान। ये बहुत थॉटफुल है, बहुत थॉटफुल, बहुत अच्छा। ये देखो ओए ये कौन है, ये देखो ये छोटा सा रुहान, जाके कुछ समझता नहीं क्या है, इसमें आवाज है सब में आवाज है। देखो ये चलेगा भी शायद, इसके अंदर म्यूजिक है, ये वो है सुलाने वाला है, रात में जब ये सोता है ना। डिसेंबल है, असेंबल करना पड़ेगा। क्या है ये वॉकर ना? थैंक यू सो मच, मैं इसको कल असेंबल करूंगा, तुझे फोटो भेजूंगा। इतना भैया भी रात को डेढ़ बजे भूख अलग लग रही है, ये जरा बहुत अच्छा ही है, ठीक है भाई, थैंक यू। और ये क्या है? सब टॉयज है, खोल दिया उन्होंने, खोल खोल, एक एक पकड़ा दो, खोलते रहो। नहीं ये सारे टॉयज है, एक वो ड्रम है, चलो ये बैटरी। हम रोहान बेटा ध्यान रखना, खिलौना तो ला रहे बैटरी नहीं लाए, अरे चल दे दूंगा, इलेक्ट्रिक है, नहीं समझ में आ रहा था जो दिख रहा था वो उठा लिया।
अब एक ही ऑप्शन है, वो उसका परमानेंट बिछा के रखो और उसके अंदर सारे टॉयज डाल के रखो। हाँ, ये भी असेंबल करना पड़ेगा। मारो इसमें, मारो। अरे धर्मनाथ आपका हक है ना। तो मेरा सर आपका अली वाह लाल नीला अली वाह लगा लगा अच्छा वो ये रुहान है कोई बात नहीं। हाँ जी, और अब वक्त है रुहान के डॉक्टर यानी कि डॉक्टर दीपक उग्रा से आपको मिलवाने का। He has been with us, रुहान के साथ। इन्होंने रुहान को डे वन से NICU से लेके अब तक देखा है एंड व्हाट अ बिग सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे अच्छी बात जो सर की लगती है वो ये कि एक एक रिंग में, बहुत रेयर ऐसा हुआ होगा कि फोन मिस हो गया है, बट एक रिंग में ये फोन उठाते हैं और फटाफट, हाँ जी क्या हुआ, फटाफट ओके डू दिस दैट्स इट। और मैं जब भी व्हाट्सएप करूंगी ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक। एंड इट इज नॉट जस्ट मी, मैं और बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनके बच्चे आपके अंडर इत्तेफाक से आपके साथ है and they all have the same opinion and that's a very big support as a new parent, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं अगर बच्चे को कोई छोटी सी चीज भी हो जाए। और दूसरी चीज, he's very cool, कुछ भी हो जाए okay ठीक हो जाएगा okay। तो आपको देख के हमें इतनी हिम्मत मिलती है ना कि हाँ सर, अगर सर इज सो रिलैक्स, मतलब ठीक है रुहान इज फाइन, ठीक भी फाइन। So you have been a very, very big, strong support in Rohan's journey from that NICU to here. Thank you. I would like to say something. Haji. कि अभी जो ना आप लोग हमारे सामने बच्चे हैं, क्योंकि जब मैंने पीडियाट्रिक ज्वाइन की थी उस समय शायद आपको पहले भी नहीं हुए थे ऑब्वियसली। और इतने सालों में बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे पेरेंट्स देखे, और अगर कोई मुझसे पूछा ना कि ये बताओ कि पिछले 10-15 साल में पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, तो माय आंसर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फादर। हाउ लकी। जब फादर साथ में आता है ना, हमारा 50% जॉब इज डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही वाज हियर एट एवरी मिनट। यस, सो मदर्स आती हैं, पहले भी आती थी, अभी भी आती हैं, अभी बहुत फादर आते हैं, ही वाज वन ऑफ देम। सेकंडली योर रिकॉर्ड कीपिंग इज आपने कभी मिस नहीं कही फाइल लाना, जो हमें कई बार बोलना पड़ता है, तो हमारे को आसानी होती है रेफर करने को फाइल से कि मैंने क्या देखा था लास्ट टाइम बच्चे में और आज मैं क्या देख रहा हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली रिकलेक्ट करना कि हर विजिट में हर बच्चे को आपने क्या देखा था, थोड़ा डिफिकल्ट। मतलब आपके पास इतने सारे बच्चे आते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दैट वाज दैट मेड माय जॉब वेरी इजी and we've been wonderful parents and I wish him all the best. We must celebrate the first birthday, why not everybody? Yes, absolutely. I'm very happy with his growth. जो हमारी बुक्स में जो वैल्यूज होती हैं कि एक साल के बच्चे का कितना लेंथ होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितना हेड सकम चाहिए, वो इन वाले बुक। क्विकली मेरे लिए एक हाँ एक सवाल हमें आपसे करना है, हालांकि हम उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते, बट एज वी आर पब्लिक फिगर, तो हमसे सबकी ओपिनियन हमारे पास आती है यूट्यूब ब्लॉग्स में, चीज़ों में। तो
तो हमें 90% लोग ये कंसर्न दिखाते हैं कि रुहान अपनी एज के मुताबिक स्लो है, वो क्रॉल नहीं कर रहा, वो रिएक्ट नहीं करता, वो चीज़ें नहीं करता, तो वो स्लो है। तो अभी और हम हालांकि हमने इस चीज़ पे कभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि हमें पता है हम इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लेते कि हम हमें हमें पता है कि हम आपके टच में हैं, हम आपसे पूरा ए टू जेड आप उसको देख रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, तो हम रिलैक्स्ड हैं। बट ऐसे कई लोग हैं जो यू नो पुराने मिथ में जीते हैं, लोगों की क्या है अपने बच्चों से दूसरों के बच्चे को कंपेयर करना। तो ये चीज़ मुझे मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि भाई हर बच्चा अलग होता है, कोई क्रॉल करता है, कोई नहीं करता है, कोई जिसके किसी के जल्दी दांत आते हैं, किसी के नहीं आते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को बोलते हैं। सी दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि एज यू सेड एवरी वैल्यू डिफरेंट, हर एक बच्चे के अपने माइलस्टोन होते हैं। होता क्या है कि हमारे बच्चे ने जो एक चीज़ नहीं की ना हमें वही ध्यान में आती है, और किसी ने अगर ये बोल दिया कि उनका बच्चा कर रहा है तो और भी ध्यान में आती है। मेरा कहना यह है कि हर एक माइलस्टोन की एक नॉर्मल रेंज होती है, अर्लीस्ट एज जहाँ वो माइलस्टोन आता है एंड लेटेस्ट एज विच कैन बी कंसिडर्ड नॉर्मल, एंड रुहान हैज बीन ऑलवेज इन बिटवीन दैट एज फॉर ऑल पैरामीटर्स, ऑल माइलस्टोन एक्सेप्ट क्रॉलिंग। इनफैक्ट अगर आज की तारीख में क्रॉलिंग को हम लोग माइलस्टोन लेते ही नहीं, अच्छा, और अगर कोई बच्चा क्रॉलिंग नहीं करता है तो इससे कॉम्प्लीमेंट फॉर द पेरेंट्स। रियली कोई भी बच्चा कोई माइलस्टोन कैसे अटेन करता है, जब उसकी उम्र आ जाती है और जब आप उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं वो माइलस्टोन अचीव करने के लिए। तो होता क्या है अगर दोनों में से एक पेरेंट रुहान के साथ हमेशा है तो उसको किसी भी चीज की रीच आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब उसको रीच आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो वो क्रॉल करेगा क्यों, उसमें तो बड़े बड़े सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा ऐसा कि अगर कोई बच्चा क्रॉल नहीं करता जिसे कॉम्प्लीमेंट होता है and never compare to kids. Even identical twins are not same, neither in growth nor in development. And हर किसी का अलग अलग। So आप लोग we have show में आए, हमारे पास सबका support है। डॉक्टर दीपक के पास जब हम लास्ट टाइम आए थे बीच में जब बहुत ये डिस्कशन हुआ था तब हमने फिर एक बार पहले भी पूछा था एंड जब सर का जवाब आया, सर ने हमें कॉन्स्टेंटली समझाया तो वी वर एट ईज। बट आई एम श्योर आप में से कई लोग होंगे जो यू नो फैमिलीज में कंपैरिजन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इस वरी को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एवरी बेबी एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर किसी के पैरामीटर्स अलग होते हैं। यस आपके डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो बहुत जरूरी है, एंड एज अ पेरेंट यू नो इट द बेस्ट। आपको फील होगा कि हाँ मेरा बच्चा इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या हाँ मेरे बच्चे में ये डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो आपको डेफिनेटली फील होगा। तो अपने इंस्टिंक्ट पे जरूर ध्यान दीजिए, ये भी मुझे डॉक्टर उबरा ने ही समझाया था। आई रिमेम्बर जब हम सेकेंड या थर्ड टाइम आए थे तब मुझे सर ने कहा था कि बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट, एंड आई एम ब्लाइंडली रुहान की जो भी जर्नी रही है शोएब ने और मैंने ब्लाइंडली अपने सभी डॉक्टर्स की जो भी एडवाइस थी उसको एकदम ऐसे पकड़ के रखा है, एंड चले वी हैव बीन वेरी वी आर वेरी सैटिस्फाइड एज पेरेंट्स। यस तो मेन यही है कि बस आपको इसमें यही है कि बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपके जो डॉक्टर है आपके जो पीडियाट्रिशियन है ना कॉन्स्टेंट उनसे टच में रहना है, बाकी बिल्कुल टेंशन वाली बातें नहीं, वो आपको गाइड करते रहेंगे, ग्रोथ है नहीं है चीजें हैं क्या है, किसी के कहने पे कभी नहीं जाना है कि यार मेरे बच्चे में ये नहीं या आपके बच्चे में वो नहीं है, दैट्स इट सिंपल। बाकी आप अपने डॉक्टर से टच में रहिए, वो जैसा कहते हैं वैसा करते रहिए। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच। सो वी स्टार्ट रुहान का सेलिब्रेशन विथ यू ऑल, थैंक यू सो मच इतना बड़ा सपोर्ट होने के लिए, थैंक यू सो मच।